जय हिंद साथियों, वेलकम है आपके अपने परिवार कॉम्प्लेक्स के अंदर। और बहुत सारे बच्चों का, हरियाणा वालों का डाउट है कि सर हरियाणा में जो वैकेंसी है वो कब आएगी, तो बता देना चाहता हूं वैकेंसी में डिले क्यों किया जा रहा है, जो परमानेंट वैकेंसी है भाई। तो ये 2816 ये जो बाल वाटिकाएं हैं वो बनने जा रही हैं, उन पर काम अभी भी जारी है और वो जल्द जैसे ही ये बन जाएंगी तो ये वो जो परमानेंट वैकेंसी है भाई वो निकाल दी जाएगी। अब इधर ध्यान रखना, देख लीजिए अंबाला में 119, भिवानी में 146, चरखी दादरी में 99, फरीदाबाद में 120, फतेहाबाद में 68 और गुरुग्राम में 66। ऐसे ही झज्जर की बात करूं तो 100, जींद में 89, कैथल में 65, करनाल में 150, कुरुक्षेत्र में 106 और महेंद्रगढ़ में 203 भाई। पंचकुला में आए तो 55, पानीपत में 59, रिवाड़ी में देखिए 242 और रोहतक में 57 और सिरसा में 105 और सोनीपत में 180 और इसके साथ ही पलवल में 151, यमुनानगर में 251 और नू में 287 और हिसार में 98। ये भाई टोटल वाल वाटिकाएं हरियाणा में 2816 जल्द ही ओपन होने जा रही हैं भाई। तो यहां पर जो टीचर लगाए जाएंगे तो उसके लिए ध्यान देना, आपका ECCE डिप्लोमा या तो NIOS बोर्ड से और या इग्नो से किया होना भाई चाहिए, तभी यहां पर आपको मौका मिल सकता है। तो कभी भी डिप्लोमा करना तो भाई ये सरकारी करना, तभी आप बचोगे, नहीं तो HSSC की तरह आपके साथ भी होगी भाई। अभी मौका है, इसके एडमिशन चल रहे हैं 15 जुलाई तक, तो आप इसमें एडमिशन लेकर आगे मार्च में एग्जाम देकर भाई आप इन जो ये बाल वाटिकाएं बनेंगी, अभी इन पर काम स्टार्ट है तो वहां पर आपको मौका मिल सकता भाई। मेन आपको पता है NTD बहुत सारे लाखों बच्चों ने कर रखी है, तो वहां पर टर्म कंडीशन लगेगी लगेगी और इससे बाहर आप नहीं जा पाओगे, तो अभी भी मौका है। तो ये डिप्लोमा आज वाली जो बात है मेरी भाई याद रखना, जिस दिन ये होगा उस दिन फिर वीडियो में आऊंगा और आपको बताऊंगा भाई। गवर्नमेंट कभी भी अपने डिप्लोमे को फेल नहीं करेगी, तो मौका है भाई आपको भी बाल वाटिका के अंदर टीचर लगने का। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।